ठीक है, जनरल बायोकेमिस्ट्री हम लोग शुरू कर चुके हैं, काफ़ी टाइम से चल रही है। कुछ कुछ पॉइंट इसके सिमिलर हैं, तो वो जब समझेंगे कि किस तरीके से आपका जो टॉपिक्स है वो कवर हो चुका है और कहाँ कहाँ कवर हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेसिमेन एंड कलेक्शन एंड हैंडलिंग। बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि आपका जो फ्लूइड है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन चेक करते हैं। कौन सी केमिकल रिएक्शन? जो हमारी बॉडी में हो रही होती है, जैसे शुगर। भाई शुगर हमारी बॉडी में आ रहा है, कैसे आ रहा है? खाली चीनी या गुड़ खाने से नहीं आ रहा है ना। फ्रूट खाते हैं, शुगर होता है उसके अंदर, राइस खाते हैं, ग्लूकोज होता है उसके अंदर, भी शुगर प्रेजेंट होती है, स्वीटनेस होती है। ठीक है, आप एडिटिव कोई स्वीट खा रहे हो, शुगर केन का कोई बना हुआ मटेरियल खा रहे हो, वो भी मीठा है। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज जो बन रहा है हमारी बॉडी में, तो वो कितना है वो टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ब्लड सैंपल जब बाहर लेते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक एंटीकॉगुलेंट में डालते हैं। वो एंटीकॉगुलेंट क्या है? तो वो सोडियम फ्लोराइड एंटीकॉगुलेंट है। ऐसे ही अदर एंटीकॉगुलेंट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे कि कौन कौन से हम लोग सैंपल लेते हैं। तो सैंपल टाइप की अगर मैं बात करूँ बायोकेमिस्ट्री में, तो सबसे कॉमन सैंपल टाइप होता है आपका ब्लड। ठीक है, दो टाइप का ब्लड लिया जाता है यहाँ पे, एंटीकॉगुलेटेड ब्लड और नॉन एंटीकॉगुलेटेड ब्लड। ठीक है, एंटीकॉगुलेटेड ब्लड का मतलब क्या मिलेगा उसमें? सेल्स मिलेंगे और प्लाज्मा मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा? क्लस्टर ऑफ सेल मिलेगा, ठीक है, और सीरम मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे हम सीरम से भी टेस्ट लगा रहे हैं और प्लाज्मा से भी लगा रहे हैं। क्या हम ब्लड से भी सेल टेस्ट लगाते हैं बायोकेमिस्ट्री में? तो 0.1% कुछ टेस्ट हैं जो सेल्स, होल ब्लड जिसको बोलते हैं, उसमें भी, उस केस में होल ब्लड से हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, वो भी सीरोलॉजी में डिवाइड हो जाता है। खैर, अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अंदर में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं हमारे लैबोरेटरीज के। ठीक है, जैसे हम लोग हर टेस्ट को एक कोड से डिफाइन करते हैं। कोड कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप लगा रहे हो शुगर फास्टिंग या फिर ग्लूकोज फास्टिंग, इसको मैंने कोड दे दिया GF01। ठीक है, PP GPP02। ठीक है, तो एक तो ये एक तरीके का कोड हो गया जो हम टेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, एक कोड होता है जो हम प्रोफाइल के लिए यूज करते हैं, एक कोड होता है अगर कोई एक्सीडेंट हो गया लैब में। सपोज नीचे यहाँ लैब में ब्लड गिर गया, तो हम ये नहीं कहेंगे ब्लड गिर गया, हम एक कोड अनाउंस करेंगे। ठीक है, अलग कलर कोड अनाउंस करेंगे या कोई एक टर्म कोड देंगे, तो वो कोड अनाउंस होगा। वो कोड अनाउंस होगा तो इस लैब में काम करने वाले जो लोग हैं वो क्या करेंगे, इस लैब में काम करने वाले लोग जो उस टीम के मेंबर होंगे, ठीक है, जैसे कोई ब्लड गिरा तो उसको क्लीन करने के लिए टीम बनाई जाएगी, वो टीम के मेंबर अपने काम को रोक के वहाँ आएंगे, उसको जो एक्सीडेंट हुआ है उसके ऊपर अपना प्रोसीजर करेंगे। वो प्रोसीजर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, ऐसा नहीं है ब्लड गिर गया झाड़ू उठाया पोछा उठाया साफ सुफ करके चल गए, नहीं। सबसे पहले टिश्यू पेपर डालेंगे हाइपोक्लोराइड, फिर उसको टिश्यू पेपर को डिस्कार्ड करेंगे येलो डस्टबिन में, उसके बाद फिर उस पर हाइपोक्लोराइड डालेंगे, फिर उसको टैप मतलब क्लीन करेंगे, उसके बाद फिर उसको डस्टबिन में डालेंगे, फिर उसके ऊपर एक बार मोपिंग की जाएगी केमिकल डाल के, फिर उसको लास्ट में जो नॉर्मल मोपिंग वाटर होता है उससे क्लीन, मतलब ये मल्टीपल स्टेप होगा भाई। उस एरिया को मार्क करना होगा, जितने दूर ब्लड गया उसने एरिया को मार्क किया, वो स्टैंडीज लगाई। स्टैंडीज क्या होती हैं? जो ट्राइंगुलर शेप का होता है, आपने देखा होगा वॉशरूम जब क्लीन हो रहा होता है या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो एक तरीके का स्टैंडिंग येलो कलर का एक छोटा सा बैरिकेटिंग लगाया जाता है, वो लगाया जाता है। तो ये सारा क्या है, ये ऑपरेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में आता है। ठीक है, वहाँ गए देखा मार्किंग करी वो स्टैंडी लगा दी, फिर प्रोसीजर उसका शुरू किया क्लीन करने का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है रिसेप्शन एरिया, रजिस्ट्रेशन और बायोकेमिस्ट्री पैरामीटर्स। अब रजिस्ट्रेशन और बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि हमारे पास एक ही टाइप का सैंपल है, उससे मल्टीपल प्रोफाइल टेस्ट लगाने हैं हमें। अब बायोकेमिस्ट्री में क्या है, प्रोफाइल से, जैसे अलग अलग प्रोफाइल है, आपकी किडनी काम कर रही है तो उसको बोल दिया हमने किडनी फंक्शन टेस्ट, आपका लिवर काम कर रहा है तो उसको बोल दिया लिवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, आपका रीनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है, RFT बोल दिया, फिर हो गया लिपिड प्रोफाइल, ठीक है,
तो और भी ऐसी अलग अलग प्रोफाइल्स बनती है हमारी। ये प्रोफाइल का क्या काम है, इसमें मल्टीपल टेस्ट आते हैं, ठीक है, जो क्या बताता है, एक पर्टिकुलर आपके सिस्टम का फंक्शनिंग बताता है। अब किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी में क्या क्या आ रहे हैं, आपके नेफ्रॉन्स आ रहे हैं, दो किडनी आ रही है, ब्लैडर आ रहा है, यूरेथ्रा आ रहा है, उनके ट्यूब्स आ रहे हैं जो कनेक्टिंग है, वो सब सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो किडनी के भी बहुत सारे पार्ट है, अगर इंटरनली आप जाओगे नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स के भी कई सारे पार्ट डिवाइडेड है, भाई जहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है, प्योर ब्लड फिर बाहर निकल जाता है, वो इम्प्योरिटी कैसे फिल्टर होकर आपके ब्लैडर में स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये फंक्शन ऑफ टेस्ट में क्या होता है कि हमें वैरायटी ऑफ सैंपल की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैक्सिमम वैरायटी ऑफ सैंपल यहाँ क्या होता है, हमारा सीरम होता है। क्या होता है यहाँ पे, हमारा सीरम रहता है। सीरम का क्या काम है यहाँ पे, तो सीरम हम दो तरीके से ले सकते हैं, एक आपका रेड टॉप में ले सकते हो, एक आपका एसएसटी वाइल होता है जिसको हम सीरम सेपरेटिंग ट्यूब गोल्डन टॉप भी बोलते हैं, ठीक है। रेड वाइल क्या करती है, रेड वाइल में आपका क्या रहेगा, तो ये ट्यूब है, ठीक, ये एक ट्यूब है, इसमें कोई सेपरेटर नहीं होगा। सेपरेटर का मतलब है कि कोई भी आपका बीच में बैरिकेटिंग वॉल के लिए कुछ भी यूज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आप सैंपल डालोगे, ब्लड आ गया, 15 से 30 मिनट्स के अंदर क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज करोगे, सेल नीचे आ जाएगा, प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा, और ये ट्यूब के अंदर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस ट्यूब को हिलाओगे तो क्या होगा, वापस से ये मिक्स हो जाएगा, हीमोलाइसिस होने के चांसेस हैं। कई सारे ऐसे टेस्ट हैं जो क्या होता है कि सेल अच्छी से मतलब क्लॉट नहीं हुआ, तो इसके अंदर का प्रेजेंस कुछ मटेरियल यूटिलाइज करता रहता है। तो आप जब एक लंबे टाइम बाद, सपोज मैंने मॉर्निंग सुबह 8 बजे सैंपल कलेक्ट किया था और मैं 3 बजे के बाद टेस्ट लगा रहा हूँ, तो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसमें हमें एंटीकोगुलेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ सीरम के साथ साथ में प्लाज्मा का भी यूज होता है, जैसे ग्लूकोज टेस्ट करना हो प्लाज्मा का यूज होता है, एडीटी या होल ब्लड का यूज होता है, कहाँ पे, HbA1c, ठीक है, हैं? नहीं, CBC तो हीमेटोलॉजी का पार्ट है, अभी हम बायोकेमिस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है बायोकेमिस्ट्री का, ठीक। तो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ही हम सारी चीजें करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब दूसरा SST वाइल क्या करते हैं, तो SST वाइल ट्यूब में क्या होता है, इसके बीच में एक जेल सब्सटेंस होता है, ठीक है, BCA जेल कहते हैं इसको, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पे सेल आ गया, जेल सब्सटेंस आ गया, अब यहाँ पे सीरम आ गया, अब इसको कितना भी हिला दो ये मिक्स नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल अच्छे जब करके हिलाओगे तो अलग चीज है, लेकिन नॉर्मल वे में जब अगर मूव करोगे तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग स्पेसिफिक आराम से इसका रिजल्ट जो है वो ज्यादा अच्छा आता है कंपेरेटिवली रेड वाले से, ठीक है। कॉस्टिंग की बात की जाए तो ऑब्वियसली सी बात है, रेड वाली थोड़ी चीपेस्ट कॉस्टिंग होती है। अब इसमें भी अलग अलग क्वालिटी होती है, वैक्यूटेटेड आती है, नॉन वैक्यूटेटेड आती है। वैक्यूटेटेड मतलब इसके अंदर वैक्यूम है, जब आप वैक्यूटेनर का यूज करेंगे तो ये ट्यूब यूज किया जाएगा, अगर आप नॉन वैक्यूटेटेड ले रहे हैं तो आप सिरिंज से भी निकाल सकते हैं उस केस में, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ वेनस यूज्ड इन ब्लड स्पेसिमेन कलेक्शन, कैसे। अब यहाँ पे भाई कलेक्शन किससे किया, आर्टरी से किया जाता है या आपका इससे किया जाता है, क्या कहते हैं, वेन से किया जाता है, ठीक है। तो ABG आर्टेरियल ब्लड गैस, तो कुछ टेस्ट हैं जो किससे किया जाता है, आपका आर्टरी से भी किया जाता है, कुछ टेस्ट, मैक्सिमम टेस्ट जो है वो वेन के ब्लड से किया जाता है, यानी ये प्रोफाइल जो है सारी ये वेनस ब्लड की होती है, क्लियर है। वेनस ब्लड क्या है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी वो ब्लड जो बॉडी के बचे हुए सब्सटेंस को लेके कैरी कर रहा है, ठीक है। यूजफुल सब्सटेंस नहीं, जो बचा हुआ सब्सटेंस है, भाई आर्टेरियल ब्लड में जो यूज होने वाला सब्सटेंस है वो है, वो ऑर्गन के पास पहुंचा, जितना चाहिए था दे दिया, अब एक्स्ट्रा जो बच गया, सपोज स्वीट आपने खाई 1 किलो, रसगुल्ले गुलाब जामुन बने थे लगा गए 1 किलो बढ़िया से, अब बॉडी को चाहिए था आधा किलो ही, आधा किलो फालतू है तो वो कहाँ जा रहा है, स्वीटनेस, वो ब्लड के अंदर रह रहा है, तो वो क्या करेगा, वेनस ब्लड में जाएगा, वो जाके फिल्टर करेगा किडनी, ठीक है, या फिर वो फैट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा बॉडी द्वारा यूटिलाइज किया जाएगा, ये जो भी उसका प्रोसीजर है, अगर यूटिलाइज करके फैट में कन्वर्ट कर रहा है या किसी में रिएक्शन कर रहा है अलग चीज़ है, नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा, किडनी के थ्रू उसको फिल्टर करके निकाल देगा, जो हमारे यूरिन में भी शुगर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कई बार अभी एक सबसे कॉमन चल रहा है कि कुछ ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स आई हैं जो ज़्यादा कंज्यूम करने पे क्या हो रहा है, फेंट हो जा रहे हैं, एक्सेस शुगर बढ़ जा रही है हमारी बॉडी में, तो वो नुकसान दे रहा है,
ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि हमारी जो टेस्टिंग है वो ज्यादातर किससे की जाती है, वेनस ब्लड से किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं एंटीकॉगुलेंट। तो बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से एंटीकॉगुलेंट यूज हो रहे हैं, तो मोटे मोटे तौर पे आपका EVTA, सोडियम क्लोराइड, ये दो ऐसे मेजर एंटीकॉगुलेंट हैं जो बायोकेमिस्ट्री में यूज होते हैं। EVTA किस में होता है, आपका ABG जब हम लोग कर रहे होते हैं हिपेरिन जो आर्टेरियल ब्लड गैस के लिए किया जाता है, HbA1c EVTA के ब्लड के साथ किया जाता है। हिपेरिन क्या है, नेचुरल एंटीकॉगुलेंट है, ठीक है, आर्टेरियल ब्लड गैस के लिए किया जाएगा। EDTA क्या है, इथाइलिन डायमिन टेट्राएसिटिक एसिड, जो HbA1c टेस्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, ये HbA1c क्या है, तो ओल्ड 3 मंथ हिस्ट्री ऑफ क्या है, शुगर है, 3 मंथ ऑफ हिस्ट्री की, यानी मेरी शुगर 3 महीने पुरानी कैसी रही वो अगर मुझे पता करना हो तो मैं कहाँ से कर सकता हूँ, अपने HbA1c से पता लगा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद और कौन सा एंटीकॉगुलेंट है, तो फ्लोराइड एंटीकॉगुलेंट है। फ्लोराइड एंटीकॉगुलेंट क्या करता है, तो फ्लोराइड एंटीकॉगुलेंट हेल्प करता है आपका शुगर लेवल को बाहर, बॉडी के बाहर मेंटेन करने में। भाई जो ब्लड ऑफ अमाउंट है, मान लो 1 ml या 2 ml निकाला, अब उसमें शुगर यूटिलाइज करेगा, कौन यूटिलाइज करेगा, तो ब्लड सेल यूटिलाइज करेंगे, तो वो यूटिलाइज ना कर पाए, वो वहीं रुक जाए, तो सोडियम फ्लोराइड क्या करता है, उसको प्रिजर्व करके रखता है। ठीक है, 3 से 4 घंटे तक वो उसको होल्ड करके रख सकता है, यानी सुबह सैंपल लिया है तो दोपहर तक वो सैंपल रन हो जाना चाहिए। क्लियर है, तो एंटीकॉगुलेंट्स भी आपको ये क्लियर होगा, हेमेटोलॉजी में डिटेल में एंटीकॉगुलेंट के बारे में बता भी रखा है, नहीं याद होगा तो मैं एक बार फिर से समझा दूंगा। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स की बात कर लें, तो बायोकेमिस्ट्री में क्या है, अब देखो अगर मैं जनरल बायोकेमिस्ट्री की बात करूं, भाई हमारे डेली रूटीन में हम बहुत सारे प्रिजर्वेटिव खाते हैं, खाने के अंदर प्रिजर्वेटिव है, पानी के अंदर प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, इनफैक्ट जो हम लोग रूटीन लाइफ में आपने देखा होगा, हम लोग ऑक्सीजन को भी प्रिजर्व करके रखते हैं सिलेंडर के फॉर्म में। ठीक है, एयर फिल्टर घर में लगा के रखते हैं, वो क्या कर रहा है, पॉल्यूशन को कम कर रहा है। ठीक, तो वैसे ही ऐसी हमारे रूटीन में प्रिजर्वेटिव क्या है, फूड के साथ में सबसे ज़्यादा हम लोग कंज्यूम करते हैं प्रिजर्वेटिव। फूड के साथ में कैसे करते हैं, फूड के साथ में कैसे प्रिजर्वेटिव होता है, तो हमारे फूड में पैक्ड फूड्स आते हैं, ठीक है, और हमारे जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उसमें भी पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, स्वीटनेस लाने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनेस ऐड की जाती है। ठीक, तो ये क्या होता है कि इसके अंदर आपका जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स हैं उससे क्या है, हमारी बॉडी में रिएक्शन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी बॉडी जो है उसका रिएक्शन साइकिल बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होता है इस चक्कर में, इसीलिए आजकल हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है या एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है वो ओल्ड एज के मुकाबले में वीकर होता जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, हम इतने ज़्यादा कोई चीज़ कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं अच्छी क्वालिटी का, जिससे क्या हो रहा है, हमारा जो सिस्टम है वो मॉडिफाई हो रहा है, चेंज हो रहा है, किसी का वीक हो रहा है, किसी का स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर वीक ही सेंस में जा रहा है। क्लियर है, उसके बाद आगे चलते हैं ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्शन की बात कर लें तो वेन पंचर और आर्टरी पंचर में आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, और कैपिलरी पंचर, 3 तरीके से ब्लड कलेक्ट किया जाता है, वेन, आर्टरी और कैपिलरी। अगर बात करें बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में चाहिए और कोई स्पेसिफिक नहीं है, सेम टाइम पे टेस्ट लगाना है, कोई प्रिजर्वेशन नहीं है, तो कैपिलरी पंचर किया जाएगा। स्पेसिफिक टेस्ट है जैसे आर्टेरियल ब्लड गैस है या कोई और स्पेसिफिक टेस्ट है जो आर्टेरियल रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ही किया जाएगा, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, आर्टरी पंचर करेंगे। आर्टरी पंचर करने का तरीका थोड़ा सा बस एंगुलर डिफरेंट होता है, बाकी जैसे वेन पंचर का होता है वैसे ही है। वेन पंचर क्या होता है, एरिया फाइन सेलेक्ट किया, सपोज ये मिडल क्वार्टर फोसा है, एरिया सेलेक्ट किया, टॉनिक विट अप्लाई किया, वेन प्रोमिनेंट हुई नहीं हुई तो थोड़ा सा टैप किया, क्लीन किया, उसको स्टेलाइज किया कॉटन से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सिरिंज पकड़ी, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री के आसपास में, 30 to 45 के बीच में आपने एंटर किया। एंटर करते ही जैसे इसमें आपके नीडल में ब्लड आया, ठीक, और आपने पिस्टन से सक्शन कर लिया, ठीक है, या वैक्यूटेनर से ले लिया। आर्टरी में क्या होता है, आपने एरिया सेलेक्ट करना है, एरिया ये हो सकता है आपका एब्डोमिनल हो सकता है, ठीक है, या यहाँ हो सकता है, जहाँ पे भी आपको प्रॉपरली फील हो रही हो और आप ले पाए, ठीक है, सबसे पहले तो वो। उसके बाद जो निडल होती है वो 90 डिग्री पे पेनिट्रेट करती है, ठीक है, क्योंकि आर्टरी क्या है, सबसे डीपेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है, डीपेस्ट पार्ट,
मतलब सबसे ज्यादा अंदर की तरफ होती है। तो पेनिट्रेट किया, जैसे ही आपका आर्टेरियल ब्लड आया उसमें प्रेशर भी ज्यादा होता है, ध्यान रखना है, कोई टॉर्निकेट अप्लाई नहीं होता। आर्टेरियल ब्लड का प्रेशर वेन ब्लड के प्रेशर से ज्यादा होता है, क्लियर है? तो उस तरीके से आपका जो है आर्टेरियल ब्लड मतलब कलेक्शन किया जाता है। प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है, क्रेटिनाइन है, ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है, ये सब जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें रिएजेंट होता है, ठीक है, HDL है, LDL है, VLDL है, यूरिया है, क्रेटिनिन है, यूरिक एसिड है, तो इसमें क्या है, अलग अलग केमिकल रिएक्शन यूज हो रहे हैं, केमिकल्स यूज हो रहे हैं, तो वो केमिकल कहीं ना कहीं हमारे स्किन के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं, हमारे हाथ पे क्या बर्निंग हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, ठीक है, तो वो उससे क्या करना है, हमें प्रिकॉशन लेके रखना है। तो हमें क्या करना होता है, हम PPE पहन के कोई भी काम करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, फेस शील्ड हो गया, आई गॉगल हो गया, हेयर कवर हो गया, लैब कोट हो गया, लैब कोट भी तीन क्वालिटी के आते हैं, सबसे थिकेस्ट लैब कोट आता है, फिर एक मीडियम और एक लोअर क्वालिटी में होता है, लोअर क्वालिटी मतलब जहाँ पे ज़्यादा कोई एसिडिक बल्ब नहीं है वहाँ पे आप कोई यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका रेडियोलॉजी में लेड एफ्रिंस वगैरह आपने सुने होगा नाम, वो लोग वहाँ पे वो भी यूज़ करते हैं। तो प्रिकॉशन में हमें एक तो केमिकल से प्रिकॉशन रखना है, दूसरा जो सैंपल हमारे को रिसीव हो रहा है भाई हमें नहीं पता वो कितना रिएक्टिव है कितना नॉन रिएक्टिव है, हो सकता है HIV रिएक्टिव हो सकता है ना हो सकता है HCV पॉजिटिव हो सकता है ना हो सकता है VDRL पॉजिटिव हो सकता है ना, ठीक है, तो हमें नहीं पता वो कैसा है, मतलब हम लोगों के लिए तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी सैंपल लैब में इन हुआ वो क्या है, वो पैथोजेनिक है हमारे लिए, चाहे वो नॉर्मली क्यों ना हो, बिल्कुल नॉर्मली क्यों ना हो, लेकिन हम उसको प्राइमरी केस में क्या लेके चलते हैं कि वो पैथोजेनिक है, तो हमें सैंपल से भी प्रिकॉशन चाहिए। फिर हमारा जो फील्ड ऑफ एरिया होता है वर्किंग होती है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ एक मशीन रखिए उसके बगल में एक मशीन रखिए उसके बगल में एक मशीन रखिए, एक स्पेस होना चाहिए स्टैंडर्ड स्पेस, ठीक है, जिससे हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा ना जनरेट हो, हमें काम करने में आसानी हो, ओपन एरिया होना चाहिए, लेबल्ड एरिया होना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे क्या रखा जाएगा, स्टैंडिंग एरिया होना चाहिए। आप देखोगे लैब में जाओगे तो येलो और ब्लैक कलर की इस तरीके से स्ट्रिप्स लगी होती हैं कई जगह, ठीक है, ये स्ट्रिप का क्या काम होता है, ये एरिया मार्क करने वाली स्ट्रिप होती है कि भाई इस पर्टिकुलर जोन में काम करने के लिए इतना एरिया मिनिमम कम से कम रिक्वायर्ड है। अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं एक कुछ रख दूँ, यहाँ कुछ रख दूँ, यहाँ कुछ रख, क्या होगा, तो मेरे को ध्यान नीचे भी देना पड़ेगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, पढ़ा नहीं पाऊंगा ढंग से। तो ऐसी लैब में जब आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ओपन एरिया एक स्पेसिफिक एरिया होता है, ठीक है, वो सारा आपके इसमें आता है प्रिकॉशन के अंडर में आएगा। सेफ्टी, फर्स्ट एड, बायोलॉजिकल सेफ्टीज एंड केमिकल हैजार्ड, अब इसमें आ जाते हैं तो सबसे पहले आता है सेफ्टी। सेफ्टी किससे, अगेन सेम चीज, रिएजेंट से, वर्किंग प्रोसीजर से भी सेफ्टी चाहिए, ऐसा प्रोसीजर ना हो जो हमें हैजार्डियस हो जाए, ठीक है भाई, प्रोसीजर में लिखा ही नहीं है ग्लव्स पहनना है तो हमारे लिए हैजार्डियस है, प्रोसीजर में लिखा ही नहीं है मास्क पहनना है हमारे लिए हैजार्डियस है, प्रोसीजर में ऐसा प्रोसीजर दे रखा है कि भाई रिस्क है, ऑटोक्लेविंग के आसपास में आप कुछ काम कर रहे हैं, वही ऑटोक्लेव चल रहा है, वहीं आप कुछ काम करो, पता लगा स्टीम प्रेशर उड़ा, रिएजेंट में चला गया, रिएजेंट ब्लास्ट कर गया, एसिडिक था, ठीक है, सनलाइट में कोई ऐसा प्रोसीजर है जिसमें सनलाइट एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है, ठीक है, रेडिएशन एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, या कोई केमिकल का इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इन्हेलेशन ज़्यादा हो रहा है हमारा, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से भी हमें क्या होता है, हमें ध्यान रखना होता है सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट एड, हर जगह घर में भी हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स बना के रखते हैं, घर का फर्स्ट एड क्या होता है, हम जिसमें बीनाडिन रख लेंगे, बैंडेड रख लेंगे, बैंडेज रख लेंगे, कुछ ऑइंटमेंट्स रख लेंगे, कुछ पेन किलर जो बेसिक डोज होती है वो रख लेंगे, फीवर की एक दो मेडिसिन रख ली, वॉमिटिंग रख लिया, लूज मोशन रख लिया, इस तरीके की कुछ जनरल मेडिसिन, कोल्ड कफ की वो रखते हैं। ऐसे ही आपके लेबोरेटरी में भी फर्स्ट एड रखा जाता है रिलेटेड टू द केमिकल विच इज प्रेजेंट इन द लेबोरेटरी। सपोज कोई बहुत ज़्यादा एसिडिक केमिकल रखता है तो हमें फर्स्ट एड में कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि अगर उस केमिकल से बर्न हुआ स्किन तो इमिडिएटली उसके ऊपर ऑइंटमेंट ली जा सके और वो ऑइंटमेंट फर्स्ट एड के अकॉर्डिंगली हो। कई बार क्या होता है फर्स्ट एड में ऑइंटमेंट ना होने की वजह से रिएक्शन हो जाता है, केमिकल से गिरा पानी में हाथ डाल दो, केमिकल से गिरा बर्फ में हाथ डाल दो, केमिकल से गिरा कपड़ा लपेट दो, पता लगा कपड़ा पॉलिएस्टर का था चिपक गया, ठीक है, तो फर्स्ट एड का भी आपको एक प्रॉपर किट बॉक्स बना के रखना होता है अकॉर्डिंग टू द लेबोरेटरी एंड द रिएजेंट्स प्रेजेंट ओवर देयर उसके अकॉर्डिंगली। फिर आ जाते हैं बायोलॉजिकल हैजार्ड्स और केमिकल हैजार्ड। बायोलॉजिकल हैजार्ड क्या है, आपके जो BMW वाला पार्ट है, ठीक है, जिस मान लो येलो डस्टबिन में जाना था आपने डाल दिया ब्लैक में,
जाना ब्लैक में था डाल दिया रेड में, जाना रेड में था डाल दिया येलो में, इंटरमिक्स हो गया तो क्या होगा, जो लेके जा रहा है उसके लिए भी इशू है, ठीक है। और जो बार बार खुल रहा है, ब्लैक क्या है जनरल वेस्ट है, बार बार ओपन हो रहा है तो क्या होगा, ज़्यादा रिएक्शन करेगा, क्या पता उसमें कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपस में रिएक्ट कर जाए। आपने केमिकल की बॉटल डाली थी रेड में, आपने डाल दी ब्लैक में, अब वो केमिकल टिश्यू पेपर के साथ रिएक्ट कर गया फायर कॉज करके, या किसी खाने वाले फूड प्रोडक्ट के साथ कॉज कर गया फायर कॉज कर गई, या कुछ भी हो गया स्मेल की वजह से स्टिंक्स आने लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ ध्यान रखनी होती है। फिर आ जाता है प्रोसेसिंग ऑफ सैंपल। प्रोसेसिंग ऑफ सैंपल की अगर मैं बात करूँ बायोकेमिस्ट्री में, तो दो तरीके से प्रोसेस किया जाता है, एक होता है डायरेक्ट प्रोसेस और एक होता है विद द हेल्प अकॉर्डिंग टू द टेस्ट कह सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट प्रोसेस क्या है, डायरेक्ट प्रोसेस में जान लेते हैं। आजकल ड्राई बायोकेमिस्ट्री बेस्ड टेस्ट बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है, जिसे हम डायरेक्ट प्रोसेस के अंदर भी कंसीडर कर लेते हैं। ड्राई बायोकेमिस्ट्री बेस के अंदर क्या है, कैपिलरी पंचर किया, ग्लूकोमीटर लगाया ग्लूकोज लेवल आ गया, टीजी मीटर लगाया टीजी आ गया, कैलेस्ट्रॉल मीटर लगाया कैलेस्ट्रॉल आ गया। वो क्या होता है, एक मीटर होता है जिसके अंदर एक स्ट्रिप जाती है, इस स्ट्रिप में क्या होता है, यहाँ पे कोडिंग एक स्ट्रिप होती है इस तरीके से, ठीक है ठीक है, इसको हम बायोटेक्नोलॉजिकल स्ट्रिप भी कहते हैं, नैनो स्ट्रिप भी कह सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकल रॉड्स रहती हैं, यहाँ पे इसका वेल रहता है जहाँ पे आप ब्लड लगाते हो, मिनिमम 1 ड्रॉप, ठीक है, 25 माइक्रोलीटर से भी कम चाहिए होता है। यहाँ उसका वो रहता है सक्शन का पार्ट रहता है, जैसे ही वो इसमें अटैच करता है, इसकी प्रोग्रामिंग इसके साथ इसको एक्टिव करती है, जो यहाँ पे सैंपल प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉनिकली रीड करता है और इसमें रीडिंग दे देता है, ठीक है। एक्यूरेसी के मामले में ड्राई बायोकेमिस्ट्री अभी इतना एक्यूरेट नहीं डेवलप हुआ है, हो रहा है, अभी टाइम आ रहा है, हो सकता है एक टाइम ऐसा आएगा जो अच्छे से डेवलप हो जाए, लेकिन अभी भी इसकी एक्यूरेसी में कहीं ना कहीं क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है। लेकिन ये क्या है, डायरेक्ट है, पेशेंट के पास जाओगे सेम टाइम में आप टेस्ट करके दे सकते हो, ठीक है। जैसे हीमेटोलॉजी में हम एच भी बता देते हैं, वैसे ही इसमें क्या है, आप टीजी बता सकते हो, आप कोलेस्ट्रॉल बता सकते हो, आप शुगर बता सकते हो, आप यूरिया बता सकते हो, आप क्रिएटिनिन बता सकते हो, बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो आप डायरेक्ट अब इलेक्ट्रो इससे ड्राई बायोकेमिस्ट्री बेस से किए जा रहे हैं कई जगह रैपिडली, ठीक है। दूसरा प्रोसेसिंग क्या है हमारा, दूसरा प्रोसेसिंग होता है कि हमने ब्लड कलेक्ट किया, स्पेसिफिक वाइल में किया, अकॉर्डिंग टू टेस्ट किया, जैसे शुगर करना है ग्लूकोज करना है तो सोडियम फ्लोराइड, HbA1c करना है तो EDTA, यूरिया क्रिएटिनिन यूरिक एसिड सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्लोराइड फ्लोराइड, ये सब करना है तो रेड टॉप या SST वाइल, ठीक है। तो अलग अलग ये वाइल हो गई, कुछ एंटीकोगुलेटेड है कुछ नॉन एंटीकोगुलेटेड है, ठीक। तो वहां से क्या किया, आपने क्या किया, आइदर प्लाज्मा लिया या सीरम लिया, जो भी आपका रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली जो आपका प्रोसीजर दिया हुआ है, ग्लूकोज GOD PUD से कर रहे हो, ठीक है, काइनेटिक है, एंड पॉइंट है, क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको यूटिलाइज करते हो, रिएजेंट के साथ मिक्स करोगे, किसी में इंक्यूबेशन होगा किसी में नहीं होगा, किसी में काइनेटिक रिएक्शन हो रही होगी किसी में एंड पॉइंट रिएक्शन चल रही होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली अलग करते हो उस प्रोसीजर में उसको फिट करके और रिजल्ट आउट लेते हो, ठीक है। तो कुछ प्रोसीजर इसमें जाता है आपका। फिर आ जाता है प्रिजर्वेशंस। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग केमिकल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो केमिकल हम लोग यूज करते हैं तो एक बार में 4 बॉटल 5 बॉटल का सेट आता है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हम एक एक बॉटल मंगाएंगे, तो उसको प्रिजर्व भी करके रखना होगा, तो उसके लिए हम क्लाइमेटिक कंडीशन बनाते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग चार्ट तैयार करते हैं, हमेशा याद रखना बायोकेमिस्ट्री में कई बार रिएजेंट वेस्ट हो जाता है हमारा, क्यों वेस्ट हो जाता है, हम दो लॉट बनाते हैं, एक लॉट में से दो लॉट तैयार करते हैं, ये तो स्टॉक का लॉट होता है, ठीक है, और ये होता है वर्किंग रिएजेंट जिसको हम बोलते हैं। वर्किंग रिएजेंट में क्या होता है, हमने सुबह मॉर्निंग में निकाला, ये था मान लो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टोर किया जा रहा है, हमारे लैब का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पहले तो हम अब पूरे लॉट पर तो ला नहीं सकते, ठीक है, अगर बार बार टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी घटेगी रिएजेंट की। अगर मैं बार बार आपको ले लद्दाख ले जाऊं, फिर राजस्थान ले जाऊं, फिर ले लद्दाख ले जाऊं, फिर राजस्थान ले जाऊं, फिर ले बॉडी की हालत खराब हो जाएगी, इतनी ज़्यादा गर्मी इतनी ज़्यादा ठंडी, इतनी ज़्यादा गर्मी इतनी ज़्यादा ठंडी, ठीक है, बॉडी यूज नहीं होगी, वीक पड़ने लगेगी, ऐसे ही इस रिएजेंट के साथ है।
अगर 2 डिग्री से सीधा मैं 25 डिग्री पे लेके आ रहा हूं, बार-बार हो रहा है, एफिशिएंसी घट रही है, रिड्यूस हो रही है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें से सपोज एक बोतल निकाल लिया मैंने 10 ml का, ठीक है। अब इस 10 ml को मेरा यूटिलाइजेशन होगा, फॉर एग्जांपल 9 ml ही हुआ, तो 1 ml मैं वापस नहीं लेके जाऊंगा, इसको डिस्कार्ड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने वापस डाल दिया तो मेरा बचा हुआ लॉट भी खराब हुआ और ये तो खराब हो ही था। अगर मेंटेन कर पा रहे हो तो रख सकते हो। मोस्टली केसेस में क्या होता है, आपका वेरिएशन देखने को मिल जाता है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वर्किंग रिएजेंट आपको अलग रखना पड़ता है, वो एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो रहा है ना। आपने 50 ट्यूब लगाई शुगर की, सैंपल आए मान लो 42, 8 बज गए, अगर वो उसी दिन यूटिलाइज हो गए तो हो गए, अगले दिन के लिए वो वेस्ट हो गए, वो डिस्कार्ड ही होगा, वो नहीं वापस नहीं पलट सकते बॉटल में, अगर आपने ट्यूब में डाल दिया, वर्किंग में कर दिया उसे। समझ गए मैं कहाँ पे वर्किंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रिजर्व करके रखते हैं चीज़ों को, अलग अलग उसका डाटा बनता है, ठीक है। स्टॉक रजिस्टर जिसको बोलते हैं, लेजर्स भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सेल शीट्स भी बोलते हैं एडवांस वर्जन में, अब एक्सेल्स में बनाया जाता है। पहले किताब आती थी जिसमें लेजर प्रिंटिंग रहता था, उसका सारा डिटेल लिखा जाता जिसमें एक्सपायरी नंबर, लॉट नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सब उसके अंदर हम लोग हैंड रिटन करते थे जिससे टेक्नीशियन को याद रहे, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ सैंपल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, BMW के अंडर पार्ट आता है। माइक्रोबायोलॉजी में BMW बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि हम लोग कौन सा पार्ट किसमें डिस्कार्ड करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपने जो ट्यूब है, ठीक है, उसमें रिएजेंट है और सैंपल है, टेस्ट लगा दिया, अब उसको कहाँ फेंकोगे? तो सबसे पहले वो जाएगा आपका 1% फ्रेश हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में। फ्रेश मतलब जो आज मॉर्निंग में बना है, एक कंटेनर में, मान लो 5 लीटर का कंटेनर है, 2.5 लीटर उसके अंदर हमने 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन डाल दिया। अब दिन भर वो सारी कैस्केड्स, ट्यूब्स जिसके अंदर रिएजेंट और सैंपल है, वो सब उसी में जाएगा, रिएजेंट के साथ। हाँ, मतलब सपोज ये एक ट्यूब है, ठीक है, इसमें ब्लड सैंपल है और रिएजेंट है, इसका काम हो गया, तो मैं इसको रेड में नहीं फेंकूंगा, मैं इसको अब पहले उस 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डाल दूंगा, ठीक है, इसके साथ ही, ठीक है। फिर जब ये डिस्कार्ड की बारी आएगी तो प्लास्टिक निकाल के रेड में डाला जाएगा और उस 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का जो है उसको सैनिटरी डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा कि वो उसको दोबारा से मतलब उसको पहले इसको कह सकते हो कि उसको क्लियर कर सके, पैथोजेनिक से रिमूव कर सकते हो, जैसे भी प्रोसेस होगा वो अपना फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्कार्ड प्रोसेस किया जाता है सैंपल का। ब्लड सैंपल का जो है वो सीधा सीधा कवर क्लोज किया और रेड में भेज देते हैं, ब्लड के साथ ही जो बचा हुआ ब्लड होता है, ठीक है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो डिस्पोजेबल का काम समझ में आ गया। अब आ जाते हैं लेबोरेटरी अपरेटस के बारे में। लेबोरेटरी अपरेटस क्या होता है? हमारे घर में हर काम करने के लिए एक मशीन है, आटा लगाने को छोड़ते हैं, अभी भी हम लोग हाथ से करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लाइब्रेरी लैब में क्या होता है कि हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल होता है, ठीक है, चाहे वो मैन्युअली हो, सेमी ऑटोमेटेड हो, फुल्ली ऑटोमेटेड हो, ठीक है, काम उस पर टेक्नीशियन करेगा ही करेगा। फुल्ली में कम काम करेगा, सेमी में थोड़ा ज़्यादा करेगा, मैन्युअली में पूरा करना पड़ेगा, बस कुछ पार्ट मशीन करके देगी, ठीक है। अब जैसे कलरीमीटर है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, पिपेट भी खुद करना है, मिक्सिंग भी खुद करनी है, इंक्यूबेशन भी खुद करना है, रीडिंग देने के लिए आपको ट्यूब भी खुद लगानी है और फिर वो रीडिंग देगा, फिर कैलकुलेशन खुद करनी है और रिजल्ट देना है। सेमी में क्या होता है, कैलकुलेशन वो खुद करता है, एस्पिरेट वो खुद करता है, आपको क्या करना है, रिएजेंट लेना है, सैंपल लेना है, इंक्यूबेशन है तो इंक्यूबेशन करना है और सीधा एस्पिरेट करा देना है, वो अपने आप ही डिले टाइम, एक्टिव टाइम, कैलकुलेशन सब करके आपको सीधा रिजल्ट मिल जाएगा। फुल्ली में क्या होता है, सिर्फ सैंपल पिपेट करना है, रिएजेंट का बॉक्स पहले से ही लगा रखा है, प्लेस करना है, टाइप करना है, क्या वो टाइप करना है, किसका, टेस्ट का, ऑटोमेटिकली वो घुमाएगा व्हील को, एस्पिरेट करेगा सैंपल, एस्पिरेट करेगा रिएजेंट, डालेगा, इंक्यूबेट करेगा, टेस्ट करेगा, रिजल्ट देगा, ठीक है। सोर्स ऑफ एरर सबसे कम होता है और फुल्ली में, उसके बाद सेमी में और सबसे ज़्यादा मैनुअल में, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे कौन कौन से एनालाइजर बायोकेमिस्ट्री में यूज किए जाते हैं वो समझ लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है।
कलरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फोटोमीटर, ये आज के टाइम में नेग्लिजेबल यूज हो रहे हैं, लेकिन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसका जो लॉ है वही सेमी एनालाइजर और फुल्ली ऑटो एनालाइजर के ऊपर काम करता है। ठीक है, बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ नाम मैंने बता दिया है, आप एक बार इसके बारे में रीड करना, नहीं समझ में आएगा तो फिर समझाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका सबसे ज्यादा एरर इसी में है। क्यों? इसमें वेवलेंथ भी मैन्युअली फिट करनी है, कैलकुलेशन भी खुद ही करना है, फिर ट्यूब भी खुद ही लगानी है। सेमी में क्या होता है, एक मशीन है, ठीक है, यहां डिस्प्ले है, यहाँ प्रिंटर लगा है, यहाँ स्टेज है, यहाँ पे सैंपल एस्पिरेशन का बटन है, यहीं पे नोजल निकली हुई है, बटन दबाया, एस्पिरेट कराया, ऑटोमेटिकली अंदर सारा काम हुआ, कैलकुलेशन करके रिजल्ट मिल गया। ठीक है, फुल्ली क्या होती है, फुल्ली में एक ट्रे नजर आएगी और इतनी बड़ी सी मशीन होगी, ट्रे में सैंपल डाला, यहाँ सिस्टम है उसका, कीबोर्ड माउस के साथ ऐड किया, ऑटोमेटिकली ट्रे अंदर जाएगी, सारा काम कर कर आके इसी डिस्प्ले में वो दे देगा। आपको रिएजेंट भी डालने की जरूरत नहीं है, रिएजेंट मतलब परमानेंटली डालने की जरूरत नहीं है भाई, फीड तो करोगे ना, स्कैन करोगे रिएजेंट को, लॉट में लगाओगे, लेकिन आपको बार बार रिएजेंट डालने की जरूरत नहीं है। जब वो लॉट पूरा खत्म होगा, एक लीटर दो लीटर जो भी उसकी कैपेसिटी है मशीन की प्रिजर्व करके रखने की, वो टेम्परेचर खुद मेंटेन कर रही है, इंक्यूबेशन है तो इंक्यूबेशन खुद कर रही है, काइनेटिक है तो भी दो बार तीन बार जो भी रीडिंग लेनी है वो खुद कर रही है, कैलकुलेशन खुद कर रही है, कोई अगर कोई चीज रुक रही है तो आपको बीप साउंड दे रही है, इंडिकेशन दे रही है कि चेंज करो। ठीक है, वेस्टेज डिस्कार्ड की भी प्रॉब्लम नहीं है, कंटेनर अलग से रखा हुआ है, डिस्कार्ड होगा, यहाँ पे आपको वेस्टेज का भी ध्यान रखना है, जो जनरेट हो रहा है आपको डालना है, यहाँ वेस्टेज का तब डालना है जब इनका कंटेनर वेस्टेज वाला फुल हो जाएगा, जैसे डस्टबिन होता है घर का, छोटे छोटे डस्टबिन हम हर जगह रखते हैं, स्टडी टेबल, बेडरूम, किचन, और एक बड़ा डस्टबिन होता है घर के बाहर जिसमें वहां से सारा कूड़ा आता है, फिर वो बड़ा डस्टबिन से गाड़ी लेके जाती है, वहां से फिर और बड़ा, और मतलब एक बड़े यूनिट में चला जाता है। ठीक है, तो ये था आपका डिस्पोजल वाला पार्ट। अब लेबोरेटरी अपरेटस के अंदर में आपका ये आ गया, इतना समझ में आ गया, ये तो मशीन का हो गया, फिर रेफ्रिजरेटर है, वाटर बाथ है, इंक्यूबेटर है, हॉट एयर ओवन है, ठीक है, ऑटोक्लेव है, कुछ कुछ इसमें से इंस्ट्रूमेंट है जो स्पेसिफिक बायोकेमिस्ट्री के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे इंक्यूबेटर सबसे ज्यादा इंक्यूबेटर बायोकेमिस्ट्री के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, इंक्यूबेट करने के लिए कोई चीज को, ठीक है, या हॉट एयर ओवन कह सकते हो, वो भी यूज किया जाता है, वाटर बाथ भी यूज किया जाता है कई जगह बायोकेमिस्ट्री में, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। भाई आपको मान लो बोला गया कि 10 मिनट के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे किसी रिएजेंट और सैंपल को इंक्यूबेट करना है, तो इंक्यूबेटर चाहिए, ठीक है, इंस्टेंट हीट करना है, हॉट एयर ओवन चाहिए, वहां आप जला के तो हीट कर नहीं सकते, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड यूज करोगे, उसके अंदर आता है आपका हॉट एयर ओवन। ठीक है, कोई चीज डिस्कार्ड करनी है तो ऑटोक्लेविंग करनी पड़ेगी, हालांकि माइक्रो बायोलॉजी डिपार्टमेंट का वर्क होता है लेकिन कई जगह बायोकेमिस्ट्री में भी रखा जाता है सेफर पॉइंट के लिए, कि जो हम माइक्रोपेपिट यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए यूवी स्टेलाइजर रखा जाता है, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है, ठीक है, नाम ध्यान नहीं है कौन सी कंपनी का है, यूवी स्टेलाइजर है, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट बायोकेमिस्ट्री के हम लोग वहाँ यूज करते हैं। अगर कई बार हमारी टेस्ट ट्यूब जो होती है, फनल्स होते हैं, ग्लास होते हैं, बड़े बड़े ट्यूब, भाई हमें सॉल्यूशन बनाना है 1:2 का, एक R1 है एक R2 है, ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग फनल यूज करोगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासवेयर यूज करोगे, तो ऐसा तो नहीं है एक बार यूज किया डिस्कार्ड किया, नहीं, उसको हम रीयूज करते हैं, रीयूज करते हैं तो उसको स्टेलाइज करना जरूरी है, ठीक है, जिससे उसके अंदर कोई बैक्टीरियल कोई रिएक्शन ना हो जाए, कोई फंगल रिएक्शन ना हो जाए, या कोई और दूसरी टाइप की रिएक्शन ना हो जाए, तो हम उसका ध्यान रखते हुए, ठीक है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट भी आपके इसमें यूज किए जाते हैं। कई जगह डिश वॉशर भी रखा जाता है इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के लिए, हाथ से नहीं करते, डिश वॉशर में डाल दिया वो ऑटोमेटिकली क्लीन कर देता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका कुछ स्पेसिफिक, अगर मैं बात कर लूँ तो ऑटोमेटिक वाला एनालाइजर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और कुछ अलग कंटेनर्स बता दिए, ग्लासेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, फनल है, फ्लास्क है, सिलेंडर है, बीकर है, ठीक है, ट्यूब्स हैं अलग अलग एंगल की, वाई ट्यूब है,
एल ट्यूब होती है, ठीक है, वी ट्यूब होती है, अलग अलग कलर की मतलब एंगल की ट्यूब्स होती है। ट्यूब का मतलब है जैसे वाई ट्यूब बोला तो ये वाई ट्यूब हो गई, ठीक है, ठीक, फनल बोला तो ये फनल हो गया आपका, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क बोला तो ये कोनिकल फ्लास्क हो गया आपका, सिलेंडर बोला तो ये आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है, बेसिक सिलेंडर है, बीकर है, बीकर बोला तो अलग। तो इस तरीके से कई सारे ग्लास वेयर्स भी आपके यूज़ किए जाते हैं, क्यूवेट्स यूज़ की जाती है, पिपेट्स यूज़ किया जाता है, अलग अलग वॉल्यूमेट्रिक पिपेट होती है, 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, इस तरीके की वॉल्यूमेट्रिक पिपेट्स भी होती है। तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट का बायोकेमिस्ट्री का। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे। इसके ऊपर आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स जो हैं आपको गूगल क्लासरूम में, जो मेरा गूगल क्लासरूम है उसके थ्रू आपको मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं।